खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। साल 1886, जब एक युवा लड़की चिकित्सक बनी जिनकी उम्र मात्र 19 साल थी, उनका नाम था आनंदी गोपाल जोशी। उनकी कहानी जितनी दिल को छू लेने वाली है, उतनी ही साहस और दृढ़ता की प्रतीक है। जो महिलाएं आज के वक्त में रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाती, उनके लिए मिसाल है आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी उस वक्त में डॉक्टर बनी जब महिलाएं ना ज्यादा घर से बाहर निकलती थी, ना ऊंची आवाज में बात कर पाती थी और ना ही अपने फैसले लेने का उनको अधिकार था। उनकी कहानी भी इतनी दिलचस्प है कि आपका दिल भी बीच में इस कहानी को छोड़ नहीं पाएगा। डॉक्टर आनंद जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को हुआ था। जैसा कि पहले होता था, पुणे में जन्मी आनंदीबाई जोशी की शादी 9 साल की उम्र में करीब 25 साल के गोपाल राव जोशी से हुई थी। उस जमाने के हिसाब से ना तो ये कोई चौंकने वाली बात थी और ना ही इस पर तब कोई हैरानी जताता था। शादी तो उनकी हो गई, मगर बड़ी बात यह थी कि उनके पति बाकी के मर्दों की तरह नहीं थे, बल्कि उनके पति गोपाल को जिद थी कि अपनी पत्नी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो परिवारों का तिरस्कार झेला, एक तो उनका खुद का और दूसरा आनंदी के घर वालों का भी। मगर गोपाल राव पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और वो एक उच्च विचारों और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए सात समंदर पार अमेरिका भेजकर उसे पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनाने का इतिहास रच दिया। क्योंकि गोपाल राव की आनंदी से शादी की शर्त ही यही थी कि वो अपनी पढ़ाई करेंगी। शादी के वक्त आनंदी को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तो उनके पति गोपाल ने उन्हें का खा ग से पढ़ाया। अक्षर ज्ञान के बाद गोपाल आनंदी के लिए अगली कक्षा की किताबें लाए। अक्षर ज्ञान के बाद गोपाल आनंदी के लिए अगली कक्षा की किताबें लेकर आए। फिर वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले गए। जब वापस लौटे तो देखा कि आनंदी घर में खेल रही थी। वो गुस्से से बोले कि तुम पढ़ नहीं रही हो। आनंदी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जितनी किताबें थी सब पढ़ चुकी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने की ख्वाहिश रखता है। इसके बाद वो बड़ी हुई, 14 साल की उम्र में उनका पहला बच्चा हुआ। लेकिन सब कुछ जिंदगी में हमेशा ठीक भी नहीं चलता। बच्चा होने के 10 दिन में ही उस बच्चे की मौत हो गई, मगर बच्चे की मौत ने ही नन्ही सी आनंदी को डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी, क्योंकि उस समय उनके उस बच्चे को बचाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। इसके बाद उन्होंने भारत में महिलाओं और बच्चों के इलाज के बारे में सोचा, जिसके बाद उनकी दिलचस्पी मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ी और उन्होंने शिक्षा हासिल कर डॉक्टर बनने की ठान ली। इसलिए अब सिर्फ उनके पति ही नहीं बल्कि उनकी भी चाहत डॉक्टर बनने की होने लगी। अचानक लिए गए उनके इस फैसले से उनके परिजन और आस पड़ोस में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई। उनकी काफी आलोचना भी की गई। समाज को ये कतई गवारा नहीं था कि एक शादीशुदा हिंदू औरत विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे, लेकिन उन्होंने इन आलोचनाओं की तनिक भी परवाह नहीं की और इस फैसले में उनके पति गोपाल राव ने भी उनका पूरा साथ दिया, जिसके बाद आनंदी मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा पाने के लिए अमेरिका गईं और साल 1886 में 19 साल की उम्र में उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल कर ली। आनंदी गोपाल जोशी ने महिला मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया से मेडिकल डिग्री प्राप्त की। इस डिग्री को अब ड्रक्सेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। वो एमडी की डिग्री पाने वाली और पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी। डिग्री लेने के बाद आनंदीबाई वापस अपने देश लौट आईं।
उन्होंने कुछ सपने देखे। भारत में उनका सपना महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का था। उन्होंने अल्बर्ट एडवर्ट अस्पताल प्रिंसली स्टेट ऑफ कोल्हापुर में एक महिला डॉक्टर के रूप में चार्ज भी संभाल लिया। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद अगले साल यानी कि 1887 में टीबी की वजह से मात्र 22 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यकीनन ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस दौर में महिलाएं तो क्या पुरुषों की शिक्षा को भी इतना महत्व नहीं दिया जाता था और महिलाओं की शिक्षा किसी सपने से कम नहीं थी, उस दौर में आनंदी गोपाल जोशी ने अपने सपने को साकार करने के लिए विदेश में जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और महज 21 साल की उम्र में 1886 में डॉक्टर की डिग्री हासिल कर न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि बाकी लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम की। वाकई साहस और संघर्ष से भरी आनंदी गोपाल जोशी की जिंदगी की कहानी दिल छू लेने वाली है। आनंदी गोपाल जोशी का प्रभावशाली व्यक्तित्व उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो बड़े बड़े सपने तो देखती हैं, लेकिन समाज और परिवार के डर से उनके सपने घर की चार दीवारी में कैद रह जाते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारी खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो आप grameenews.in की वेबसाइट पर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमारी खबरों को देखना चाहते हैं तो आप YouTube और Facebook पर हमारी सारी खबरों को वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज़।